चलिए, तो हम लोग समसामयिक की घटना चक्र देख रहे थे, उसमें हम लोग देख चुके हैं अभियान, ऑपरेशंस, ठीक है। अब बात करने वाले हैं आयोग और समितियों के बारे में। याद रखिए, अभी तक जो भी खत्म कर चुके हैं पार्ट, वो आप लोगों को सभी को एक जगह मिल जाएंगे। वो है अपनी समसामयिक की घटना चक्र 2019 के नाम से प्ले लिस्ट में सूची बनी हुई है, ठीक है, उसी में डले हुए। चलिए शुरू करते हैं। नई जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु समिति एक केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई। योजना आयोग के पूर्व सदस्य एवं जल विशेषज्ञ मेहर साह इस समिति के अध्यक्ष हैं। याद रखिए, कौन? मेहर साह। रंगली है दूर संचार क्षेत्र में वित्तीय दबाव को कम करने हेतु सचिवों की समिति, तो ये भी केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई है। कैबिनेट सचिव राजीव गुवा इस समिति के अध्यक्षता करेंगे। यह समिति दूर संचार कंपनियों के समक्ष आ रही वित्तीय दिक्कतों पर हर दृष्टिकोण से विचार करेगी और इसे कम करने के उपाय सुझाएगी। फिर मौजूदा पुनर्बीमा पुनर्बीमा मानदंडों की समीक्षा हेतु कार्य समूह। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा गठित की गई है। IRDAI के सदस्य TR अलामेलू इस 9 सदस्यीय कार्य समूह की अध्यक्षता करेंगे। फिर राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास हेतु कार्य बल, केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से 24-25 तक 100 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास हेतु योजना तैयार के लिए कार्यबल का गठन किया गया। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अतनु चक्रवर्ती कार्यबल के अध्यक्ष हैं। फिर कॉरपोरेट ऋण के लिए द्वितीयक बाजार के विकास पर कार्यबल, कैनरा बैंक के चेयरमैन TN मनोहरन की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय कार्यबल ने भारतीय रिजर्व बैंक की को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कॉरपोरेट लोन डॉक्यूमेंट के मानकीकरण हेतु 100 नियामक निकाय के गठन की सिफारिश की गई है। फिर आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर समिति ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित की गई 6 सदस्यीय समिति द्वारा विस्तृत रिपोर्ट को जारी किया गया। बैन एंड कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर हर्षवर्धन इस समिति के अध्यक्ष होंगे। रिपोर्ट के अनुसार बाजार निर्माण और मानक स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से एक सरकार प्रायोजित मध्यस्थ के स्थापना की सिफारिश की गई। बात करते हैं बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच हेतु ABBF नामक पैनल, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC द्वारा 50 करोड़ से अधिक की बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच एवं कार्यवाही के विषय में सिफारिश हेतु बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड नामक पैनल गठित किया गया है। पूर्व सतर्कता आयुक्त TN भासीन इसके अध्यक्ष हैं। फिर चार धाम परियोजना के पारिस्थितिकी की पहलुओं की समीक्षा हेतु समिति, उच्चतम न्यायालय के चार धाम परियोजना के पारिस्थितिक पहलुओं की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित करने का आदेश दिया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं देहरादून पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट निदेशक रवि चोपड़ा इस समिति के अध्यक्ष हैं। फिर गंगा जल के इष्टतम उपयोग हेतु तकनीकी समिति, भारत और बांग्लादेश इस समिति के गठन पर सहमति व्यक्त की है। यह समिति गंगा जल साझाकरण संधि 1996 के तहत गठित की जाएगी। फिर बात करते हैं वर्ष 2020 और 24 के ओलंपिक की तैयारी हेतु समिति, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 और 2024 के ओलंपिक खेलों की तैयारियों के समन्वय और रणनीति बनाने हेतु 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समिति के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं लोक लेखा समिति PAC का गठन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित की गई है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। फिर MSME का
कायाकल्प करने हेतु विशेषज्ञ समिति। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कायाकल्प करने हेतु सेबी के पूर्व अध्यक्ष यूके सिन्हा की अध्यक्षता में गठित 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को सौंपी है। फिर विकासशील डिजिटल भुगतानों पर समिति UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में विकासशील डिजिटल भुगतान पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपी है। फिर ऑफशोर रुपया बाजार पर कार्यबल, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट इस 8 सदस्यीय कार्यबल की अध्यक्ष हैं। फिर राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सौंपी है। 17 जनवरी 2017 को मंत्रालय ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के साथ इसकी समीक्षा करने और नई पद्धति सुझाने के लिए डॉक्टर अनूप सत्पथी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। विशेषज्ञ समिति ने उच्चतम न्यायालय के आदेश और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा पोषण आवश्यकताओं को आधार बनाकर आवश्यकताओं आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 375 रुपये प्रति दिन तय करने का सुझाव दिया, जो जुलाई 2018 के अनुरूप है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ समितियाँ। ठीक है, आयोग बात करेंगे हम लोग सम्मेलनों के बारे में। ठीक है।